अभी मूवी आ रही है किंग कॉन्ग, तो मैं और निशु। गाइस, तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे। और मैंने आज लंच में बनाया है यहाँ पे, हमने मंगाए हैं छोले भटूरे। तो इस समय सोने के भाव बिक रहा है, ये सोने के भाव बिक रहा है, ये दो दो चार दो छः दो दो चार एक पाँच नींबू, 30 रुपए की नींबू है, 5 नींबू, धनिया पत्ती एंड हरी मिर्ची, और ये है क्या बोलते हैं तुरई, आलू, आज इकट्ठी सब्जी मंगाई है मैंने, आलू, भिंडी एंड आम, पुदीना भी होना चाहिए था, और यहाँ पे है दूध, बिस्किट, फास्ट कार्ड वगैरह, ये सारे घर के सामान हैं। और ये मंगाया मैंने टमाटर, एक किलो टमाटर, फ्रूट्स में सेब मंगाया है, इनको मैं धो के अभी टोकरी में रख दूँगी, और दूसरा मैंने मंगाया है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर, मेरा अंगूर खाने का मन कर रहा था, तो बहुत दिनों के बाद मैंने इकट्ठी चीज़ें मंगाई है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैं खुद लेके आती थी, तो मैं बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, तो इस वजह से मैं चीज़ें नहीं ला पा रही हूँ, तो आज मैंने, शनिवार था तो इनसे ही मंगवा लिया है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मंगवा ली है, यानी कि लिक्विड मंगवा लिया है बहुत सारा, तो ये फाइनली मैंने मंगवा लिया इतना सारा सामान। यहाँ पे हमने मंगाए हैं छोले भटूरे एंड जलेबी, आवाज़ कम करियो, निकालो उसको, डब्बे को पीछे कर देना साइड में, हाँ नहीं निकाला पता नहीं, तो छोले भटूरे एंड जलेबी, आ जाओ इधर ही आ जाओ, आ रही है ऐसी की हवा, ये जलेबी गर्मा गर्म, और ये है छोले भटूरे, तो आज यही खाएंगे, रुक जाओ। लंच में भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, तो आज मैं भिंडी की सब्जी की सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और गर्मियों में अगर आप लोग इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मैं किस तरीके से बनाती हूँ ना, बस वही आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में जो है ऑयल डाल रही हूँ, और ये रिफाइंड तेल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूँगी, और मुझे सच बताओ तो मुझे इस तरीके की भिंडी की सब्जी ही अच्छी लगती है, और जो लिबलिबी सी लोग बना देते हैं ना, मुझे वो सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा, और भिंडी को आधा घंटा पहले धो के रख दिया था, हवा में सुखा भी दिया था, और यहाँ पे लहसुन प्याज एंड हरी मिर्ची का तड़का दे दिया है जीरे के साथ, और इस तरीके से सब्जी बना के देखना भिंडी का, इतना टेस्टी बनेगा ना गाइस, सच में खाने वाला जो होगा ना, उंगलियां चाट जाएगा, यहाँ तक कि अपनी प्लेटें भी चाट जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप इस तरीके से ट्राई एक बार ज़रूर करना। तो मैं यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा लाल होने दूंगी, और ये वाली जो भिंडी की सब्जी है ना, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, और इसमें नींबू मैं ज़रूर डालती हूँ, तो नींबू बहुत महंगा मिल रहा है, और सॉरी मैंने, मेरी कुर्ती बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने धोती की तरफ बांध लिया है और खाना बना रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, 43 डिग्री 45 डिग्री तक जो है गर्मी समय पड़ रही है, और यहाँ पे जब हल्का ब्राउन हो जाएगा, अच्छे तरीके से प्याज को पहले भून लेना है, और शायद आपको कैमरे में अच्छे तरीके से भुना हुआ प्याज ना दिखे, लेकिन मैं प्याज को बहुत अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि जो है प्याज हमें कच्चा नहीं चाहिए, हमें अच्छे तरीके से भुना हुआ प्याज चाहिए। तो यहाँ पे मेरा प्याज जब इस स्टेज पर आ जाएगा ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है, जैसे अगर आप चाहते कि इसी तरीके से सब्जी टेस्टी बने और एकदम चटपटी बने और लिबलिबी ना बने, भिंडी की सब्जी अक्सर लिबलिबी हो ही जाती है, तो अगर आप चाहते कि भिंडी की सब्जी लिबलिबी ना बने, तो भिंडी को हमेशा बनाने से आधा घंटे पहले धो के रख दीजिए, और काट काट
काटने से पहले उसको सुखा लीजिए अच्छे से। जब भिंडी सूख जाए उसके बाद अगर आप काट के भिंडी बनाएंगे ना, तो आप देखना कभी भी आपकी भिंडी लिपलिपी बनेगी नहीं। अब आप देखो कई सारी शब्द होते हैं ना जो हम बोल ही नहीं पाते, जैसे लिपलिपी, बार बार मेरी जुबान जो है ना घूम जा रही। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह में डाल दिया है हल्दी पाउडर और ये है चिकन मसाला, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब मतलब जो भी खाना बनता है चिकन मसाले से ही बनता है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 गुना 4 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने हल्दी एंड चिकन मसाला डाल दिया है जो कि एवरेस्ट का मार्केट में रेडीमेड आता है, आप लोग बाई कर सकते हैं जो लोग नॉनवेज हैं। अगर नॉनवेज नहीं भी हैं तो आप कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ा मुझे चटपटा चाहिए तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची ज़्यादा ही डालती हूँ। और आप इसको ना दाल चावल के साथ भी ये वाली सब्जी ना परोस सकते हैं, अगर कोई आपके घर में गेस्ट भी आया ना तो दाल चावल और भिंडी की सब्जी इस तरीके से ज़रूर परोसिएगा। तो मैंने डाल दिया धनिया पाउडर एंड मैं डालूँगी यहाँ पे नमक अपने स्वादानुसार, आप लोग अपने अनुसार देख लेना कि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये नमक जो है ना बहुत हल्का नमक है, आप कितना भी डालेंगे इसमें सब्जी में बिल्कुल भी कभी भी जो है सब नमक तेज़ होने की कोई भी चांसेस नहीं होते। ये नमक इतना ज़्यादा लाइट है नमक, ये आप मजे का भी डाल देंगे ना तो भी जल्दी आपका नमक तेज़ नहीं होगा। तो मतलब फिर भी आपको एक अंदाजे से ही डालना है, मुझे पता चल चुका है कि ये नमक जो है ना बहुत, अगर मैं थोड़ा सा डालूंगी ना तो सब्ज़ी में पता ही नहीं चलता कि मैंने नमक डाला भी है। तो मेरे को अंदाज़ा लग गया है कि कितना डालने से हमारी सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें ना पानी डाल डाल के निकाल रही हूँ, हालाँकि है इसके अंदर लेकिन निकल नहीं रहा है, तो पानी डाल डाल के निकाल रही हूँ। और जब मसाला आपका अच्छी तरीके से भुन जाए पक जाए उसके बाद ही आपको भिंडी डाल के पकानी है, और भिंडी को तब तक पकाना है गाइस जब तक आपकी भिंडी एकदम मतलब लाल ना हो जाए, एकदम एक दूसरे से अलग ना हो जाए। जब भिंडी अच्छे से पक जाए तो धनिया पत्ती डाल के आपको गैस बंद कर देना, जो कि मैंने नहीं सूट किया है, ठीक है। और अभी मैंने सुबह नाश्ता बनाया था तो मैंने किचन साफ़ किया है, और लंच बनाने के बाद मैं पूरा किचन मैंने धोया है, पोछा है, बर्तन धुले हैं, वो सब मैंने नहीं सूट किया है क्योंकि इस समय थोड़ा सा खाना बनाने की मेरे को जल्दी है, तो इसलिए मैं खाना जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। फिर जब मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली ना तो मुझे ध्यान आया कि मेरा बेटा जो है भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो फिर मैंने उसके लिए बूरा जो रोटी चीनी का पाउडर होता है और देसी घी उसका मैंने क्या उसको बोलते हैं यहाँ पे कुछ तो बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे धनिया मिर्च आम और लहसुन टमाटर हरी मिर्च डाल के एक बहुत ही मतलब टेस्टी सा चटनी भी बनाया है। गर्मियों के लिए ये चटनी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप चाहे दाल चावल के साथ खाइए चाहे रोटी सब्जी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने बना लिया है। तो चटनी हो गई, सब्जी हो गया, अब मैं बनाऊंगी फटाफट रोटी। और आज मैं ना बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाऊंगी क्योंकि मैं जब मेरा जो तवा है ना वो ख़राब हो गया है, और थोड़ा सा भी रोटी बड़ी होती है ना तो मेरी रोटी बिल्कुल कच्ची रह जाती है। किनारी से मैंने अक्सर नोट किया है, मुझे कई बार हस्बैंड से बातें भी सुनने को मिल जाती कि रोटी कच्ची है, जो कि मैं रोटी कच्ची बनाती नहीं हूँ, वो गलती से बन जाता है कैसे भी करके। तो चटनी मेरी यहाँ पे बन गई है, तो चटनी अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी अगर ज़्यादा बन गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि चटनी ज़्यादा दिन तक चले और तब आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, यानी कि खुले कटोरिया वगैरह में अगर आप रखेंगे फ्रीज में तो वो जो है चटनी सूख जाती है। आपने देखा होगा कि आप चटनी को 3-4 दिन चलाने की अगर कोशिश करेंगे ना तो चटनी अक्सर सूख जाती है, मेरी चटनी खुद कई बार सूख गई है। अगर चटनी की क्वांटिटी कम होती है, अगर आपने खुला फ्रिज में रख दिया तो चटनी अक्सर सूख ही जाती है। तो मैंने जब मैंने चटनी कटोरा भर के बनाया है तो फिर मैं उसको स्टोर करके रखूँगी, जाहिर सी बात है मैं चाहूँगी कि 4-5 दिन तक आराम से चले। और मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और नमक डाल दिया है जिससे कि इसका टेस्ट 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। और मेरा ये जो कढ़ाई का लीड है ना, ये एक साइड से पता नहीं कैसे ब्रेक होके टूट गया है और मुझे नया ख़रीदना है, कढ़ाई लीड सब ख़रीदना है। तो मैं अब इसमें शायद मैंने नमक, हाँ अब मैं नमक इसमें डालूंगी। एडिटिंग करते समय ध्यान आता ना, आपने खुद वीडियो शूट किया होता फिर ध्यान से उतर जाता कि आपने क्या कुछ किया है। तो मैंने एक नींबू ले लिया है और इस समय नींबू बहुत महंगा मिल रहा है गाइस,
आप लोगों के यहाँ भी महंगा मिल रहा तो बताइए। अब देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, कढ़ाई में चिपकने लग गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना भिंडी, और आप जब मैं भिंडी डालूँगी ना तो आप देखना मेरी भिंडी आपको एकदम अलग अलग दिखेगी, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि भिंडी जब काट के रखते हैं ना तो चिपचिपी सी दिखती है, लेकिन मेरे भिंडी के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। देख रहे हो आप कितने आसानी से मेरा जितनी भी भिंडी है सब फिसल के नीचे आ गई है। तो भिंडी हमेशा कभी भी बनाइए गाइस, कोई भी आप मतलब भिंडी की कोई भी रेसिपी बनाइए, आप भिंडी को 1 घंटा पहले धो के सुखा लीजिए, उसके बाद आप कटिंग करिए। तो आपकी भिंडी देखिए, मैं आपको खुद दिखा सकती हूँ, मतलब विथ प्रूफ दिखा सकती हूँ कि मेरी एक भी भिंडी एक दूसरे में चिपकी नहीं है। और आप इतने पे ही कलर देख सकते हैं भिंडी के, इतनी ज़्यादा टेस्टी कलर देख के ही आप समझ सकते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके मुँह में पानी ज़रूर आ जाएगा। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ गया, मतलब कलर देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना। और गर्मियों में सच में हरी हरी सब्जी खाने का ही मज़ा कुछ और है, क्योंकि भिंडी कह रही हूँ, गर्मियों में ज़्यादा हैवी खाना तो वैसे भी नहीं खाया जाता है, और कभी कभार चलता है चिकन विकन, तो हमारे यहाँ देखो चिकन के बगैर ना कोई नहीं रह सकता, अंडा करी चिकन, और कल या परसों अंडा करी भी बना था हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ नहीं रह सकता कोई भी। तो अभी दोपहर में मैंने क्या डिसाइड किया ना, दोपहर में मैं हल्का खाना ही बनाया करूँगी, जैसे दाल चावल चटनी अचार, मतलब हरी सब्जी कोई हो गया। तो सब्जी मैंने आपको दिखाई दिया था, मैंने बहुत सारी सब्जी इकट्ठी मंगा के रख ली, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ तो इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पर मेरी चटनी तैयार हो गई और सब्जी भी बन गई है, और मैं थोड़ा सा नमक जो है चेक कर ले रही हूँ। और ये मत कहना कि मैंने चेक करके जूठा जो है चम्मच रख दिया है। तो आपको बता दूँ कि मेरे घर कोई खाने आने वाला तो नहीं है, क्योंकि हम ही लोग हैं, हम ही लोग खाते हैं। अगर कोई अगर आता भी है तो हम फ्रेश खाना बना के देते हैं, कभी भी ऐसा खाना नहीं खिलाएंगे जो कि, क्योंकि कहते हैं ना मेहमान जो है भगवान का रूप होते हैं, तो ये बस हम ही दोनों हैं अभी खाने के लिए। आप सबको पता है कि तीसरा हमारे घर में, मतलब इत्तेफाक ही है कि कभी कोई मेरे घर में आया हो या फिर आता हो, जैसे मेरी सिस्टर आई थी चली गई उसके बाद, तो मतलब मेरे बेटा इतना बीमार है, मेरे सुनने के बावजूद भी सिर्फ 2 बार लोगों ने बस पूछा कि हाँ मेरा बेटा कैसा है, बस मतलब एक सिंपैथी टाइप की होती है ना, वैसा दिखाते हैं लोग कि हाँ मतलब अपने बेटे की नज़र में अच्छा बनने के लिए सिंपैथी टाइप की होती है ना, हाँ ठीक है ऐसे केयर करना ऐसे करना, ये मत खिलाना वो मिला, मतलब बस उतना है, उतने पे ही इनफ है, उसके बाद ना कोई पूछता है ना कोई देखता है ना कुछ भी, बस मतलब बस क्या ही बोलूँ। मेरे बेटे को बीमार हुए कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, जो कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मेरे बेटे को बीमार हुए। ठीक है, आप सब समझ सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे नींबू काट लूँगी, और एक नींबू मैं, मुझे पूरा नहीं डालना है, आधा नींबू ही डालूँगी, और डायरेक्ट नींबू नहीं निचोड़िएगा, नहीं तो इसके बीज जो है ना सब्जी के अंदर चले जाएंगे, तो आप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा भी नहीं जल्दी नींबू का बीज है तो जल्दी मिलेगा भी नहीं आपको। तो पहले एक बॉल्स में कटोरी में निचोड़ लीजिए, उसके बाद बीज निकाल के अलग फेंक दीजिए, उसके बाद ही जो है सब्जी में डालिए। और ये सब्जी ना एक तो तीखी बनती है, साथ में चटपटी भी बनती है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। भिंडी मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे भिंडी हर किसी के हाथ की पसंद नहीं आती, मुझे जल्दी किसी के हाथ की नहीं पसंद आती भिंडी, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी जगह पे भिंडी की सब्ज़ी खाई है ना, लिबलिबी चिपचिपी, मतलब बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि लोगों को बनाने का तरीका, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। आप जितना ही खानों के साथ, मतलब खाने पीने की चीज़ों के साथ ना प्यार दिखाओगे ना उतना ही अच्छा होगा। तो ये ना रात को मेरे हस्बैंड अचार लेकर आए थे, मैंने बोला था वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं करोंदा बोलते हैं ना हमारे यूपी में, करोंदा बोलते हैं, और वाइट एंड पिंक कलर के 2 कॉम्बिनेशन में आता है, जिसको पता होगा मुझे कमेंट करना, करोना वाला करोना नहीं, करोंदा बोलते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं और उसमें छोटी छोटी बीज होती है, तो वो वाला अचार लाने के लिए बोला था, उन्होंने लिसोड़े का अचार ला दिया। खैर लिसोड़े का अचार भी जब मैंने रात को टेस्ट करा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, पहले मैंने सोचा इसमें रखूं, बट फिर मैंने डिसाइड किया बहुत थोड़ा सा अचार है तो मुझे इसके लिए छोटा कंटेनर चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे इसमें अजीब सी ना स्मेल सी आ रही थी, तो मैं चेक कर रही थी अच्छे से कि ये साफ तो है ना, पता चला कहीं गंदा हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें नहीं रखूँगी, बाद में इसको धोऊँगी। हालांकि सब सारे कांच के बर्तन मैंने धो धो के रखे हैं अपने किचन के लिए,
और अभी आपको मेरा किचन बहुत मैसी लग रहा होगा ना, मुझे खुद को बहुत मैसी लग रहा है। इसके बाद मैंने अपने पूरे किचन को धोया है, सच्ची बता रही हूँ। आज मैं नहीं सोया, मैं आज मैं सोई ही नहीं हूँ। फिर इस ये सब करने के बाद ना मैं नहाने मतलब एक बार सुबह नहा चुकी हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। आज झूठ नहीं बोलूँगी, आज झूठ नहीं बोलूँगी कि क्या मतलब है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच्ची बोलती हूँ। खाना बनाने के बाद मेरे को इतनी गर्मी लगने लगी, इतनी गर्मी मतलब पसीने से एकदम लथपथ हो गए। तो फिर खाना बनाने से मतलब खाना खाने से पहले मेरा मन किया कि मैं एक बार और नहा के फिर खाऊँगी, तो दो बार नहाई हूँ। और एक बात आपको और बताऊँ, मैं शाम को मतलब 9-10 बजे फिर नहाती हूँ। मतलब गर्मियों में मैं 3 से 4 बार नहाती ही नहाती हूँ। और कभी कभी अगर मेरा 2-2.5 बजे नींद खुल गया, या फिर मेरे को नींद नहीं आई गर्मी से या फिर किसी और वजह से, तो मैं उठ के फिर नहाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है एसी वाले रूम में सोते हैं, और मैं जो है अपने काम के चक्कर में ना दूसरे रूम में रहती हूँ, अपना कुछ DIY करती रहती हूँ। आप सबको बताया भी है कई बार कि मैं DIY करती रहती हूँ, चीज़ों को बनाती रहती हूँ। तो मैं अलग ही रहती हूँ ताकि उन लोगों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उन लोगों को सोना है, सुबह उठना है। और उठना तो मुझे भी है, लेकिन हाँ मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती। तो मैं ना अपने DIY में या फिर किसी ना किसी काम में अपना लगी रहती हूँ, बनाना या फिर सच्ची बताऊँ मैं कुछ लिखती भी रहती हूँ डायरी में, और अपनी डायरी में अलग तरीके से भी लिखती हूँ। और कभी मन किया तो दिखाऊंगी कि हाँ मैंने अपनी डायरी भी बना रखी है, अपने जो दिल की बातें होती है, दुख सुख होता है जो मेरे साथ मतलब कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उसको मैं डेट वाइज लिख भी लेती हूँ कि हाँ मेरे साथ इस दिन मेरे को इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो चलो ये देखो सब्जी का कलर अच्छा, आप लोग देखो और मुझे कमेंट में बताना किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। मुझे पता है कि सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जब ये लास्ट स्टेज पे आया ना सब्जी बनने को हो रहा था, तो मेरा फ़ोन बैटरी 20% पे आकर टूटू टूटू करने लग गया। और जब ये वाली जब भिंडी की सब्जी बनती है ना, तो मन करता है ना कि अगर मैं एक रोटी किसी चीज़ के साथ खाती हूँ ना, तो मैं भिंडी की सब्जी के साथ 2-3 रोटी आराम से खा लेती हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। वैसे मैं 1 रोटी 2 रोटी खाती हूँ, अगर छोटी रोटी है तो 2 रोटी खा लेती हूँ, अगर बड़ी रोटी है तो 1 रोटी खाती हूँ। तो आज मैंने छोटी छोटी 4-5 रोटी बनाई थी, लेकिन उसमें से भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 रोटी खाई, क्योंकि बनाते बनाते गर्मी से इतना ज़्यादा मेरा मन भर गया था ना कि मेरा खाना खाने का मन ही नहीं किया। फिर 4 बजे मैंने फिर अपने जो है गार्ड अंकल से समोसे मंगाए। वो पता नहीं कहाँ से समोसे ला के देते, बहुत टेस्टी बनता। तो देखो अच्छा मैं ये भी दिखा रही हूँ कि मैं छोटी छोटी रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि रोटियों की वजह से ना मेरे को कई कई बार हस्बैंड से डांट पड़ गई। तो मैंने डिसाइड किया कि बिल्कुल छोटी रोटी बनाऊँगी। तो आज मैंने रोटी को बाहर निकलने नहीं दिया, और देखिए सारी रोटी मेरी एकदम पक के बढ़िया फुली फुली रोटी बनी है। अच्छा रोटी देख के मेरे को भी इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो रही थी, उछल रही थी कि हाँ मैं अब यही रोटी बनाऊंगी। क्योंकि तवा मेरा देखो ना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल किनारी उसकी ख़राब हो रखी है। तो हाँ मैंने अंकल के लिए भी खाना बनाया था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी खाना खा लिया था। लंच में बनाया है टेस्टी सा भिंडी का सब्जी, रोटी एंड आम की चटनी। तो मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मुझे कभी कभार देसी घी भी अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। होता है ना कभी कभी कुछ चीजें करने का मन नहीं करता है, तो आप वही करो जो आपका करने का मन हो। जो आपका करने का मन नहीं कर रहा तो आप मत करो। अभी मैं नहाकर आ गई हूँ, खाना बनाने के बाद पसीने में एकदम लथपथ हो गई थी। चलो तो मैं अपने बेटे को करा देती हूँ लंच, और पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, ना वो ठीक से खाना खा रहा है ना कुछ भी कर रहा है, बहुत उदास उदास सा रह रहा है। और ये मैंने अचार मंगाया था कल, और ये लिसोड़े का अचार है, लिसोड़ा जिसको बोलते हैं, देख सकते हैं ये लिसोड़े का अचार है। तो ये मैंने मंगाया था। तो चलो नहाने धोने के बाद, भूख इतनी तेज की लगी है ना, कभी कभी ऐसा होता है खाना बनाते बनाते भी भूख मर जाता है, तो खाना खा के आती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। Hey guys, तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारे नीचे जो गार्ड अंकल है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक ही बार बोला कि अंकल मुझे समोसे खाने हैं, तो फटाक से अंकल ने
दो समोसे मंगा दिए। मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था और अंकल जहाँ से समोसे ला के देते हैं ना वो समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। एक बार अंकल ने और खिलाया था, मुझे इतना पसंद आया तो मैंने अंकल को बोला कि आज फिर मंगा दो, तो अंकल मंगा देते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ अंकल के लिए चाय और अपने लिए भी चाय बना रही क्योंकि शाम हो चुका है। और मैं खाऊंगी घर की चटनी। और मुझे जो अंकल ने लास्ट टाइम समोसे ला के दिए थे ना मेरे को इतना पसंद आया था, मैंने फाइनली अंकल से फिर से मंगवा लिया है। तो चाय बन जाती है तो मैं अंकल को चाय देकर आऊँगी नीचे। और सच में हमारे जो अंकल है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलो करते हैं समोसे इंजॉय और अंकल को चाय बिस्किट एंड नमकीन देकर आऊँगी मैं। और इसके साथ ये जो चटनी आती है ना ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। गिर गया और माचिस भी ख़त्म हो गया था तो मैंने माचिस भी अंकल से मंगवा लिया है। और सच्ची बताऊँ अंकल ने गांव के अपने जो चीज़ें होती है ना वो भी हमें ला के देते रहते हैं। देखो छाछ ला के दिया था अंकल ने सुबह बहुत सारे, और एक ये बोतल भर के रखी है, ये छाछ ही है और कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ। और एक कटोरा, ये रहा छाछ जो कि अंकल के घर का है, यानी कि गांव का देसी छाछ जो होता है ना बनता है वो वाला छाछ है और मुझे बहुत पसंद है। घर के जो एक्चुअल छाछ होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने लंच में बनाया था भिंडी की सब्जी, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, बहुत टेस्टी बनी थी, साथ में आम की चटनी एंड अचार, ये सब ना खा के बहुत मज़ा सा आ गया। थोड़ा सा हवा लेती हूँ ठंडी ठंडी एसी का। किंग कॉन्ग वाली मूवी आ रही तो मैं और निशु देख रहे हैं। और अभी मैं इवनिंग में फिर से कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मियों में ना मैं एक नहीं दो दो बार कपड़े धुलती हूँ और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में, खासकर ज़्यादा कपड़े निकलते हैं पता नहीं कैसे, विंटर में तो निकलते साथ में गर्मियों में बहुत कपड़े निकलते हैं। अब मैं इस वीडियोज़ का यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियोज़ में। और मेरे पास कॉमेंट आ रहा था आप कुछ अलग टाइप की वीडियो शेयर करिए, तो मैं उस पर बहुत जल्दी वर्क करने वाली हूँ। जी हाँ, और बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगी और आप लोगों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूँगी। देख लिया बेटा, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे के जाना। और आपकी शालिनी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट ऐसे ही आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करते रहिए। कोशिश करूँगी कि आप लोगों की डिमांड पर कोई वीडियो बनाऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में।